नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल टीवी में। हाजिर हूँ मैं आपके सामने आज के बड़ी खबर के साथ। भारत को आत्मनिर्भर ड्रोन देने की ओर बड़े कांगड़ा के प्रभात के कदम। भारत सरकार ड्रोन तकनीकी के क्षेत्र में लगातार कदम बढ़ा रही है। इसी क्रम में केंद्र सरकार का इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिक मंत्रालय की स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज प्रतियोगिता करवा रही है। इस प्रतियोगिता का मकसद ऐसी प्रतिभा की खोज करना है जो कि ड्रोन तकनीकी में विदेशों पर निर्भरता कम करके स्वदेशी, सुरक्षित और सस्ता ड्रोन निर्मित कर सके। आत्मनिर्भरता के इस प्रयास में कांगड़ा जिला के धर्मशाला के नजदीकी घरों में रहने वाले प्रभात ठाकुर बेहद करीब पहुंच गए हैं। इस प्रतियोगिता की शुरुआत में 6000 कंपनियों ने हिस्सा लिया था और उनको पीछे छोड़ते हुए हिमाचल के प्रभात ने टॉप 30 में जगह बना ली है। तकनीकी क्षेत्र में इतना लंबा सफर तय कर प्रभात ने पूरे हिमाचल को गौरवान्वित किया है। इसके लिए भारत सरकार ने उन्हें 4,00,000 रुपए बतौर इनाम दिया है। अब उनका लक्ष्य टॉप 10 में जगह बनाकर उनका लक्ष्य भारत को स्वदेशी और आत्मनिर्भर ड्रोन देने का है। इसके लिए अंतिम चरण के 3 महीनों में अगले चरण का मुकाबला होगा। प्रभात ठाकुर ने बताया कि अब तक भारत विदेशों में बने ड्रोन पर ही निर्भर रहा है, इससे देश की गोपनीयता को हमेशा खतरा रहा है। केंद्र सरकार IIT मद्रास के द्वारा निर्मित शक्ति सॉफ्टवेयर पर ओपन सोर्स पर आधारित ड्रोन बनाने के लिए प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि काफी समय से इस क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने का सपना देख रहे हैं। प्रभात ठाकुर ने बिना रिमोट के चलने वाला पहला स्वदेशी ड्रोन बना चुके हैं। यह ड्रोन गूगल मैप की मदद से स्थान का पता लगाकर वहां दवाइयां या जरूरी सामान पहुंचा सकेगा। प्रभात ठाकुर ने 100% ऑटोमेटिक फीचर वाला स्वदेशी ड्रोन तैयार किया है। यह ड्रोन पहाड़ी क्षेत्रों के दुर्गम क्षेत्रों में मददगार होगा। अगर बीच रास्ते में ड्रोन की बैटरी खत्म होने लगेगी या फिर सिग्नल टूट जाने का खतरा होगा तो यह ड्रोन जहां से उड़ान भरी थी वहीं खुद सुरक्षित वापस आ जाएगा।